गाइस आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मॉक टेस्ट को लेकर, वो सारी बातें हमने इसी वीडियो पर कवर कर ली है। सब कुछ आपको इसमें सारे कुछ बता दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन हमने कोई भी ऐसा पॉइंट रहने गया है जो अभी आपको नहीं बताया हो इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो जो आपको समझ में आए शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना, दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं जीमेल वाले मैसेज की। जो भी आपके जीमेल में मैसेज आया है क्या है, कैसा क्या करना है, यदि बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो उनको किस प्रकार से क्या करना है, ये बात कर लेंगे। और जो अभी हाल ही में दिशा निर्देश आए हैं कैंडिडेट मैनुअल करके, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं ईमेल में क्या मैसेज आया था। कुछ लोगों के ईमेल में आया भी है, कुछ लोगों के नहीं आया। तो जिन लोगों को आ गया है वो उनका वेरीफाई सब कुछ हो गया है और उनका एक तरह से कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन या फिर रजिस्टर्ड हो गया है, वो अब उनको दे सकते हैं, उनका वहाँ पर आईडी खुल रही है। और जिनका भी नहीं आया है, बहुत से लोगों का नहीं आया है, बहुत से लोगों का आ गया है, तो जिनका नहीं आया है वो लोग अभी शाम तक का वेट कर लें, क्योंकि उनका भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। और जिनका हो गया है वो दे सकते हैं। किस प्रकार से देंगे देख सकते हैं, तो आपको एक URL दिया जाएगा। URL के बाद उस URL को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद शेड्यूल टाइम देखें, यहाँ पर शेड्यूल फॉर मॉक एग्ज़ाम, तो डेट दिखाई गई है 15, 16 और 17। यहाँ पर जो आप जीमेल के माध्यम से आई है इस पर डेट दिखाई गई है 15, 16, 17, लेकिन जब आप यूराइज ओपन कर रहे होंगे तो वहाँ पर दिखा रहा है 16 अगस्त से आप दे सकते हैं, लेकिन आपको वो नहीं मानना है, आपके जो जीमेल में आया आपको वो मानना है। तो यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 15, 16, 17। टाइमिंग दी गई है 9 बजे से 6 बजे तक, तो 9 बजे से 6 बजे के बीच में आप कभी भी दे सकते हैं। और लेकिन ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक 9 बजे से आप देख सकते हैं, 11 बजे से, 1 बजे से और 4 बजे से। यहाँ पर आप स्लॉट करके देख सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको आगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं फॉर फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, सभी के लिए है। स्लॉट वन में आप देख सकते हैं जब आप लॉगिन आईडी अपनी फिल करेंगे तो उसका टाइमिंग रहेगा 8:45, टेस्ट स्टार्ट होगा 9 बजे से और लास्ट लॉगिन होगी 9:30 बजे। और आपका जो है हार्ड स्टॉप यानी कि आपको जब पूरा कंप्लीट होना है, सबमिट होना है, वो है 10:45, यानी कि 9 बजे से स्टार्ट होगा और 9 से 1.5 घंटे आपका टेस्ट चलेगा, 15 मिनट अलग से सबमिट करने के लिए, तो आपका पूरा 10:45 में फिनिक्स हो जाएगा। अब सेकंड स्लॉट देख सकते हैं, सेकंड स्लॉट आपका 11:15 से स्टार्ट होगा और 11:30 बजे से टेस्ट स्टार्ट होगा, और इसके बाद लास्ट लॉगिन देखें तो 12 बजे और 1:15 पर फिर से आपका सबमिट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड स्लॉट में देखें तो अलग टाइमिंग दी गई है, फोर्थ स्लॉट में अलग, तो ये एक दिन में 9 बजे से 6 बजे टाइमिंग दी गई है। तो इसमें एक दिन में आप 4 बार दे सकते हैं कभी भी, मैक्सिमम की बात करें तो आप कितनी भी बार दे सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। एक तरह से टेस्ट है, आपका अच्छे से प्रिपरेशन भी हो जाएगी, लेकिन मिनिमम 1 बार कर सकते हैं। तो यही हाल जो है फोर्थ और सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ बता दें। तो छात्रों को एक वेबकैम और माइक, मतलब एक वेब कैमरा जुड़ा होना चाहिए और माइक भी उस पर जुड़ा होना चाहिए, ये तो आपको कन्फर्म पता ही होगा, बिना इसकी नहीं दे सकते हैं। और स्मार्टफोन भी की अनुमति है, लेकिन आप को जो प्रेफर्ड किया जा रहा है वो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर प्रेफर्ड किया जा रहा है, कि आप इससे भी दे सकते हैं लेकिन अपने एंड्रॉयड से भी दे सकते हैं। एंड्रॉयड से इस वजह से काफ़ी देर में बता रहे हैं कि एंड्रॉयड से दें भी या फिर ना दें, क्योंकि इस पर वार्निंग नोटिफिकेशन वगैरह काफ़ी मिलेंगी। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट गाइस आपको फटाफट बता देते हैं। एक ऑनलाइन प्रॉक्टर पूरी अवधि के दौरान आपके परीक्षा की निगरानी करेगा। प्रॉक्टर आपके परीक्षण को रोक सकता है, दूर से स्नैपशॉट ले सकता है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि के मामले में आपसे चैट कर सकता है। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में आर्टिफिशियल एजेंसी AI विशेषताएं हैं जो परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान छात्रों की लगातार निगरानी करेंगी। यह आपके लाइव वीडियो, आपकी छवियों और आपके लैपटॉप डेस्कटॉप की स्क्रीन को लगातार देखता रहेगा। तो गाइस जैसा कि हमने पहले बताया था कि 2 प्रकार के प्रॉक्टर होंगे, एक ह्यूमन एक AI।
तो AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आपके सॉफ्टवेयर में फिट है, इससे आप बच नहीं सकते हैं। दूसरा है ह्यूमन प्रॉक्टर, एक टीचर होगा, पर्यवेक्षक जिसे बोलते हैं, वो आपका चेक करता रहेगा। तो एक एक जो प्रॉक्टर होगा वो 30 स्टूडेंट को देख रेख करेगा। तो चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है। और आपको फ़ोन जो है चार्ज करना है 1.5 घंटे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होगा, अगर लाइटर वगैरह चली जाती है इस वजह से आपको फ़ोन पहले से चार्ज रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर परीक्षा के दौरान आपका इंटरनेट बंद हो जाता है तो आपको हेल्प सेंटर में तत्काल कॉल करना चाहिए और अपनी डिवाइस के विंडो को बंद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, कृपया ध्यान रखें कि आपके डिवाइस के ब्राउज़र में पॉपअप निष्क्रिय हो, और यानी कि नोटिफिकेशन यदि आपके आती हैं तो यह नेविगेशन के अंतर्गत आएगा और वार्निंग काफ़ी मिलेंगी, तो आपको ये UFM यूनिफायर मीन्स की श्रेणी में आरोपित किया जा सकता है। और कृपया आवश्यक स्टेशनरी अपने पास रेडी रखें, जो आपके ज़रूरत की सामान है, जैसे पेन पेंसिल, इरेजर, A4 साइज पेपर, और आपका अलग से इंटरनेट होना चाहिए वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, जैसे ये आपका बंद हो गया तो, क्योंकि आपको बार बार एक जगह से दूसरी जगह उठना नहीं है, एक जगह जहाँ बैठ गए तो वहाँ बैठ गए। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, आपके जो इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए वो 512 KB/s होना चाहिए। और आपके जो यदि आप ये एंड्रॉयड यूज़र के लिए है, आपके जो भी फ़ोन है उसका जो रैम है वो मिनिमम 2 GB होना चाहिए, और उसकी जो स्पीड है प्रोसेसर की स्पीड वो 1.5 GHz होनी चाहिए, और इसके साथ प्रेफर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो 10 होना चाहिए, आपके मोबाइल की जो विंडो 10 होना चाहिए। और आप 2 ब्राउज़र से दे सकते हैं, गूगल क्रोम और मोज़िला, इन दोनों से दे सकते हैं। इसके अलावा आप तीसरा जैसे UC हो गया, पफिन हो गया, इन ब्राउज़र से आप नहीं दे सकते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको ये टाइमिंग बता दी गई है, तो इसकी जितनी भी खास बातें थी इस ईमेल में जो आया हुआ मैसेज है ये सब आपको बता ही दिया है। अब बात कर लेते हैं दिशा निर्देश जो भी आए हैं उस पर आपको किस प्रकार से टेस्ट देना है, सारी जानकारी इस पर बहुत ही अच्छे से दी गई है कि क्या क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो गाइस ऐसा यहाँ पर एक आया है कैंडिडेट प्रोसेस मैनुअल करके, सभी के पास मोस्टली आ चुका होगा ये कैंडिडेट, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे इस पर नंबर नहीं शो हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी गलत है, फादर्स नेम मदर्स नेम गलत है, ये सारे करेक्शन अभी भी हो सकते हैं। किस प्रकार से हो सकते हैं, यहाँ पर आपको लिंक दिखाई जाएगी, ये तो एक उसकी PDF है, लेकिन आप अपने जब उस पर ओपन करेंगे URIS से तो वहाँ पर आपको लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, और करेक्शन जो होगा वो 48 घंटे के अंदर हो जाएगा, लेकिन आपका जो प्रोसेस चलता रहेगा एग्ज़ाम मॉक टेस्ट वो आप देते रहेंगे, आपका करेक्शन बाद में हो जाएगा। तो कौन कौन स्टेप फॉलो करना है, ये आपको 5 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहले में है कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड, और दूसरा है प्री एग्जामिनेशन स्टेप, आपको किस प्रकार से एग्जामिनेशन एक एक स्टेप का फॉलो करना है। इसके बाद है प्रोसेस फ्लो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, प्रॉक्टरिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ये आपको जो 5 पॉइंट दिए गए हैं यही में आपका सारा कुछ फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट लॉगिन एंड डैशबोर्ड, सबसे पहले आपको URL दिखाया गया है वहाँ पर URIS पोर्टल पर, वहाँ पर आप जैसे URL लिंक पर क्लिक करेंगे आपको लॉगिन और ID मांगेगा, लॉगिन ID एंड पासवर्ड, आपको वो दोनों चीज़ यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू कर देना है। तो ये हम आपको बता ही चुके हैं कि आपको गूगल क्रोम का जो वर्जन है वो 75, या आप किसी भी वर्जन से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका जो गूगल क्रोम हो उसका जो वर्जन हो वो 75 होना चाहिए, और इसके साथ मोज़िला फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज कर सकते हैं, अदर किसी का नहीं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद कौन से लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, जिनके ईमेल पर मैसेज आया है, जिनकी ईमेल पर मैसेज आ गया वो कर सकते हैं, कभी भी आज कर सकते हैं, कल या फिर परसों, 3 दिन का टाइम है, आप कभी भी कितने भी टाइम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, यहाँ पर आपके लॉगिन ID शो होगी, नेम शो होगा, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल ID, यदि इनमें से कुछ गलत है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है, ये आपको 48 घंटे पर सही कर देगी, और आपके यदि सब कुछ सही है तो इस I agree लिखा है, I agree द above डिटेल आर करेक्ट, यदि आपके करेक्ट हैं तो आप टिक करके प्रोसीड एप्लीकेशन कर दीजिएगा, यदि आपके गलत हैं तो आप I agree करके नहीं करेंगे, ऐसे ही प्रोसीड एप्लीकेशन करके मॉक टेस्ट देंगे,
ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा। और छात्रों को रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय कोड का नाम जैसे विवरण जांच करनी होगी। तो गाइस सब कुछ आप लोगों को चेक करना है, नोट। यदि उपरोक्त विवरण सही है तो प्रेस ट्रेनिंग, अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब क्लिक टू लॉगिन कर देना है। नेक्स्ट ये विंडो ओपन हो जाएगा कि उम्मीदवार को समान क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पुनः लॉगिन करना होगा। फ्रेश ट्रेनिंग में लॉगिन उम्मीदवार पोस्ट करें। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर एक फ्रेम रेट दे दिया गया है, एक आपकी फोटो, यहाँ पर टेक अ फोटो का ऑप्शन है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जिस एंगल पर बैठें, जैसे कि आप लेफ्ट साइड, राइट साइड, जैसे भी आप बैठें उस तरह से ही फ़ोटो लें और उस तरह ही बैठ के आप अपना मॉक टेस्ट और एग्ज़ाम दें, क्योंकि ये आपकी फ़ाइनल फ़ोटो है। तो जैसे आपको सही लगे, कुछ लोग चीटिंग के भी जुगाड़ में हैं कि हम चीटिंग करेंगे तो थोड़ा लेफ्ट देख के फ़ोटो क्लिक करेंगे, जैसा आपको सही लगे वो कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेम रेट है, यहाँ पर आपको फ़ोटो टेक अ फ़ोटो करके अपलोड कर देना है। और जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ क्लिक टू प्रीव्यू एप्लीकेशन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एक एडमिट कार्ड बनके ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं, इसको आप अपना प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो यहाँ पर जैसे आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ोटो शो होने लगेगी। इसके बाद यहाँ पर आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। लॉगिन आईडी, यहाँ पर लॉगिन आईडी शो करेगा, जैसे यहाँ पर डेमो 17 लिखा है, और नेम आपका शो करेगा, और कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, और इसके बाद है सेमेस्टर आपका, सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो, और पेपर कोड, ये सब कुछ आपको शो करेगा। इसको आप जो भी समझ में आए वो कर लीजिएगा। और चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लॉगिन करने पर छात्र निर्धारित परीक्षाओं को देख सकेंगे। छात्र को परीक्षा पूरी करने के लिए सिर्फ एक प्रयास मिलेगा। परीक्षा का चयन पृष्ठ नीचे दिखाई देता है। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, चलिए इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है मॉक टेस्ट। आपने कितनी बार मॉक टेस्ट दिया है, कितनी बार गलत कर दिया है, या फिर जो भी आपने किया है। तो यहाँ पर टाइमिंग दी गई है 30 मिनट। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। आपको यहाँ पर शो कर देगा कि आपने कितनी बार मॉक टेस्ट दिया है, पार्टिसिपेट एक तरह से किया है। इसके बाद जैसे ही आप वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो एक नेक्स्ट विंडो खुल के आ जाएगी आपके सामने। ये है सिस्टम एनवायरनमेंट चेक, यानी सिस्टम की जांच करना है। तो आपके फ़ोन का कैमरा चेक करेंगे और कैमरा को आपको एक्सेस करना पड़ेगा। यदि आपने इन चारों में से किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं किया तो आपका जो नेक्स्ट जो खुलने वाला है पेज वो ओपन नहीं होगा। तो आपको कैमरा एक्सेस करना पड़ेगा, माइक्रोफोन, ब्राउज़र और इंटरनेट स्पीड, ये सब क्लिक करके आपको प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देना है। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख सकते हैं, प्री एग्जामिनेशन स्टेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर साइड, लेफ्ट साइड, प्री एग्जामिनेशन स्टेप। तो ये आपको कुछ स्टेप का फॉलो करना है, चलिए इसको पढ़ के बता देते हैं। यह एक रिमोट प्रॉक्टरिंग आधारित परीक्षा है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर एक वेब कैमरा हो। इस परीक्षा के लिए फ्रेश ट्रैकिंग का प्रावधान है। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड इज ग्रे दिख रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पढ़ के भी सुना देते हैं। छात्र को निर्देशों का ध्यान से पढ़ना चाहिए, निर्देशों को ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए, एवं निर्देशों को स्वीकार करने के उपरांत प्रोसीड नाउ बटन को दबाना है। कुछ समय के लिए यह बटन ग्रे रंग का प्रदर्शित होगा। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ऐसे ओपन होगा। यहाँ पर आप राइट साइड देख सकते हैं आपका कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइमिंग है, ये सब आपको राइट साइड शो होगा। ये एक लैपटॉप का है या फिर कंप्यूटर का है, तो इस पर काफ़ी बड़ा साइज दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके फ़ोन में काफ़ी छोटा दिखाई देगा। इसी वजह से बार बार आपसे लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए प्रेफर्ड कर रहे हैं। तो गाइस अभी भी देरी नहीं हुई है। यदि आपके पास आसपास कोई कैफ़े वाला है या फिर आपके फ्रेंड पास लैपटॉप है तो ले लीजिए और अपनी लॉगिन आईडी, जीमेल आईडी, उस पर लॉगिन कर लीजिए और उसी से एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन जिनके पास नहीं है वो लोग तो एंड्रॉयड से ही देंगे। तो ये सब आपको चेक कर लेना है गाइस। जैसे ही चेक करना है यहाँ पर ग्रे कलर का प्रोसीड ना हुए, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा फिर सेम पेज रहेगा, और यहाँ पर ग्रीन यानी कि आप एग्री हैं, सहमत हैं, तो आपको प्रोसीड नाउ फिर से क्लिक करना है। अब ये क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा AI
रिमोट प्रॉक्टर्ड एवं इमेज प्रॉक्टर्ड परीक्षा है। इसलिए परीक्षा के दौरान यदि छात्र अन्य विंडो में निगेटिव जाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें नेविगेशन चेतावनी मिलेगी, उम्मीदवार को निगेटिव करने की अनुमति नहीं है। तो गाइस आप किसी अन्य विंडो को या अन्य जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, एंड्रॉयड यूजर्स के लिए तो ये सब ना खोलें, यानी तो आपको वार्निंग मिल सकती है और UFM के तहत आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो नेक्स्ट देख सकते हैं, जैसे ही गाइस ये सब आपको कर लेंगे, यहाँ पर जैसे प्रोसीड नाउ मेन चीज़ है, यहाँ पर प्रोसीड नाउ सब कुछ चेक करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड नाउ करेंगे तो वैसे ही आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मॉक टेस्ट स्टार्ट होने के बाद जब आप कोई चीज़ कोई अलग से जैसे नोटिफिकेशन आ गई या फिर आपके कैमरे के सामने हाथ चला गया या फिर आपने इधर उधर देखा, कुछ भी आपने गलती की तो आपको वार्निंग मिलती रहेंगे। यहाँ पर 15 वार्निंग दिखाई गई हैं, लेकिन अभी जो पिछले दिशा निर्देश और नोटिस आए थे उस पर आपको 25 वार्निंग्स दिखाई गई थी AI प्रॉक्टरिंग के थ्रू, और 25 जो वार्निंग थी वो थी ह्यूमन प्रॉक्टरिंग के थ्रू। तो यहाँ पर 15 दिखाई गई हैं, तो आपको जितनी कम से कम वार्निंग यूज़ करनी पड़े उतना ही बेहतर रहेगा। तो गाइस जैसे आप लोग सोच रहे हैं कि नकल भी करना है या फिर क्वेश्चन जैसे भी आपको समझ में आ रहा हो तो आप नकल करना है तो किस प्रकार से करेंगे, आप अपना पेपर जो है पूरा देंगे, ठीक है, पूरा पेपर आपको देना है। इसके बाद जब आप पूरा कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, छूट गए हैं, तो उनको लास्ट में नकल कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे जिस प्रकार से करना हो, तो उस पर ज़्यादा वार्निंग आपको नहीं मिलेंगी और आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल ले जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेस्ट स्क्रीन परीक्षा स्क्रीन जिसे बोलते हैं, ये आपके पास स्क्रीन होगी। यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख पा रहे हैं नीचे गाइस, यहाँ पर हम जूम करते हैं, फ्लैग और नेक्स्ट। तो इन दोनों का क्या मतलब है, फ्लैग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्लैग का मतलब है कि जैसे ही आप क्वेश्चन को टिक, यहाँ पर जैसे चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर आपने टिक लगा दिया और नेक्स्ट बढ़ गए तो वो कन्फर्म हो जाता है कि आपका कन्फर्म। उसके बाद आप जैसे कि आपने सपोज दैट आपने 1000 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए फर्स्ट, इस पर टिक किया और टिक करने के बाद आपने नेक्स्ट कर दिया, तो अब जब प्रीवियस क्वेश्चन पर जाएंगे फिर से आपको सोचेंगे ये तो गलत है, इस पर 100 होना चाहिए, तो इसे 100 करना चाहिए, और तो वो नहीं होगा, आपका कंफर्म हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में टिक लग जाएगा और चेंज नहीं होगा। लेकिन आप फ्लैग करके जाएंगे तो आप जब प्रीवियस क्वेश्चन इसको ठीक करने आएंगे तो आसानी से हो जाएगा, आप फोर्थ ऑप्शन पर भी टिक कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट में आपका कंफर्म हो जाएगा, फ्लैग में कंफर्म नहीं होगा। और यदि आपने भूल गए या फिर लास्ट में याद आया कि या फिर नहीं याद आया तो वो आपका लास्ट में कंफर्म हो जाएगा, बाद में आपको सही करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जब ये सब कर लेंगे तो नेक्स्ट पेज देखिए क्या खुलता है, इंस्ट्रक्शन ऑन द टेस्ट स्क्रीन, परीक्षा स्क्रीन पर दिशा निर्देश। तो ये देखिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, डोमेन मॉक जुलाई 2021, टेस्ट नेम मॉक एग्ज़ाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, अलॉटेड टाइम 90 मिनट, करेक्ट आंसर 2 मार्क्स। तो यहाँ पर जैसे ही आप नेक्स्ट पेज करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, परीक्षा के पूरा होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परीक्षा पर क्लिक करके परीक्षा जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार को एक सूचना मिलेगी कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप परीक्षा जमा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है उस पर भी बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर आपका पेपर पूरा हो चुका है, ठीक है, आप टाइमिंग 1.5 घंटे थी लेकिन आपने 1 घंटे में ही निपटा दिया, पूरा कर दिया है, तो क्या आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वो एक बार में सबमिट नहीं होगा, वहाँ पर आपसे 2 या 3 बार वेरीफाई करने के लिए पूछेगा कि हाँ आप क्या सबमिट करना चाहते हैं, क्या सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको बार बार करते रहना, 2 बार या फिर 3 बार, तो वहाँ पर आपका सबमिट हो जाएगा, फिर आप दोबारा वो ओपन नहीं कर सकते हैं। और यदि आप नहीं करते हैं, आपको टाइम लग रहा है काफ़ी, 1 घंटे 1.5 घंटे का है और 15 मिनट सबमिट के लिए, तो पूरे 45 मिनट आपके दिमाग में चल ही रहा है कि कर रहे हैं क्वेश्चन ही कर रहे हैं, टाइम नहीं देखा, तो 1 घंटे 45 मिनट के बाद वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन सूचना, आर यू श्योर वांट टू सबमिट टेस्ट, कि आप टेस्ट सबमिट करना चाहते हैं, तो यस सबमिट करना चाहते हैं, तो बस यहाँ पर आपको सबमिट करना है, यहाँ पर रेड से है, इसके बाद आपको ग्रीन से भी आएगा कि आप क्या सबमिट करना चाहते हैं, जैसा भी हमने बताया। तो नेक्स्ट पेज देख लीजिए, क्लिक ऑन यस विल एंड योर टेस्ट कम्प्लीटली, यस पर क्लिक करने से आपका टेस्ट पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा,
गाइस जैसा कि अभी हमने बताया दो तीन बार आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रॉक्टर हर समय छात्रों पर निगरानी कर सकता है और किसी भी समय प्रॉक्टर के पास किसी भी अनुचित आचरण के लिए छात्र को चेतावनी संदेश भेजने का विकल्प है। तो गाइस जो भी आपका ह्यूमन प्रॉक्टर है वो कुछ भी कर सकता है, आपकी स्क्रीन को ब्लैंक कर सकता है, 5 मिनट तक पॉज कर सकता है जिससे आपका टाइमिंग में व्यवधान होगा, यानी कि आपका आप ये सोच रहे हैं कि हमारे 1.5 घंटे है तो हम नकल भी कर सकते हैं, लेकिन वो 5 से 10 मिनट के लिए आपका ब्लैंक कर देगा या फिर पॉज कर देगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसमें, आपका वो टाइम घट जाएगा। और नेक्स्ट है, प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट कर सकता है। बिल्कुल, किसी भी प्रकार का संदेह होने पर चैट का विकल्प का ऑप्शन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। प्रॉक्टर द्वारा छात्रों के फोटो सतत देखी जा रही है और साथ ही प्रॉक्टर परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैंडिडेट गेट अ मैसेज फ्रॉम द प्रॉक्टर ड्यूरिंग द टेस्ट एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट वही ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर लिया गया है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कैंडिडेट सबमिट द एग्जामिनेशन पोस्ट कंप्लीटेशन और ऑफ टेस्ट, और सेकंड है वन सबमिटेड कैंडिडेट विल नॉट गेट अ चांस टू री लॉग इन एंड अपलोड आंसर शीट, और थर्ड है एक बार टेस्ट को सबमिट कर देने के बाद छात्र को पुनः लॉग इन करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है इनको पढ़ लेते हैं। कृपया ध्यान दें कि अगर कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन के प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, फर्स्ट सेकेंड देख लेते हैं। कृपया ध्यान दें कि छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फोटो परीक्षा के दौरान उपस्थित फोटो को रिजल्ट खुलने से पहले प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत फोटो से मिलान करवाया जा सकता है। और थर्ड है फेज कॉन्टेक्ट योर हेल्पलाइन इन केस ऑफ इंटरनेट पावर फेलियर, योर टेस्ट मे विल स्टिल रिकवर्ड, द टेस्ट विल रिज्यूम एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर इट वॉज लेफ्ट। अगर आपका इंटरनेट या बिजली खराब हो जाए तो आप हेल्पलाइन नंबर से तत्काल संपर्क करना है, आपका टेस्ट पुनः जारी किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में परीक्षा में वहीं से प्रारंभ होगी जहां से आपने उसे छोड़ा था। यदि आपके चलिए इसको पॉइंट को हम समझा देते हैं, जैसे आपका इंटरनेट बाधित हो जाता है या आपके साथ कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो आप कुछ भी दिक्कत के लिए आपको हिचकिचाना नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं करना, सीधे हेल्पलाइन सेंटर पर कॉल कर देना है। कॉल करने से क्या होगा कि जहाँ आपने 50 क्वेश्चन हैं आपने 25 या 30 कर लिए हैं, और तो आपको जो शेष क्वेश्चन रहेंगे वो वहीं से मिल जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका टेस्ट जो है पुनः स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्न पत्र में छवियों और तालिकाओं को उचित रूप से देखने के लिए इंटरनेट की गति पहले बताई गई उचित होनी चाहिए, यानी कि 512 KB/s आपका इंटरनेट न्यूनतम स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, दिस इज़ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप टेस्ट, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यू कैन गो बैक टू प्रीवियस क्वेश्चन, देयर इज नो। यह एक बहुविकल्पी प्रश्न की परीक्षा है, आप पिछले प्रश्न भी जा सकते हैं, इस परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। नेक्स्ट है, 25 से अधिक नेविगेशन काउंट होने पर छात्र अनुचित साधन का प्रयोग का दोषी ठहराया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपकी वार्निंग है 25, अगर इनका पूरा यूज़ कर लेते हैं तो आपके 100% है कि UFM के तहत कार्रवाई की जाएगी, वो आपकी गलती हो या फिर आपकी चीटिंग हो या फिर जानबूझ के कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग के धोखे से हो जाती हैं, कैमरा के आगे हाथ वगैरह चला जाता है या इधर उधर चला जाता है, अब किसी के मच्छर काट रहा है तो वो तो मारेगा ही। नेक्स्ट है, प्रॉक्टर्स विल नॉट बी फॉलोइंग थिंग दैट स्टूडेंट शुड नॉट डू, प्रॉक्टर निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे जो छात्र छात्राओं को नहीं करनी है। क्या क्या नहीं करना है गाइस उस पर बात कर लेते हैं। छात्र का उचित परिधान में ना होना, यानी कि एक प्रॉपर ड्रेस में आपका नहीं होना, ये बहुत ही गलत है और इस पर आपको वार्निंग मिलेगी। पिछली हमने आपको एक वीडियो सजेस्ट की थी, जो भी एक BTech के वो थे प्रॉक्टर, उन्होंने जो BTech का मॉक टेस्ट लिया था तो उन्होंने ये देखा था कि एक जो बंदा था वो बनियान पहनकर बैठे थे, सैंडो बनियान,
तो उन पर एक वार्निंग दी गई थी, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। फॉर्मल ड्रेस बोला गया तो मतलब फॉर्मल ड्रेस पहन के ही बैठे हैं, नहीं तो इस पर वार्निंग मिल सकती है। सेकंड है, कैमरे के सामने अज्ञात चेहरा नहीं दिखाई देना चाहिए, यानी कि ना ही वो ब्लैंक होना चाहिए ना ही कोई अदर पर्सन उस पर दिखाई देना चाहिए आपके अलावा। माइक्रोफोन इज़ म्यूटेड और लो वैल्यू, माइक्रोफोन का म्यूट जो है यह कम आवाज़ में होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रश्नों को तेज आवाज़ में बेअदब तरीके से पढ़ना। तो गाइस यहाँ पर जो आप डी पॉइंट देख रहे हैं, ये तो आप काफ़ी सुनकर हैरान रह गए होंगे कि ये क्या बोल दिया यहाँ पर। तो हाँ, आप सोच रहे होंगे एक साथ तीन चार फ्रेंड्स साथ में बैठ जाएं और आप क्वेश्चन को तेज़ तेज़ पढ़ें, तो ये बहुत ही गलत है, इस पर भी आपको वार्निंग मिल सकती है, तो आपको अपने मन में ही पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, बार बार अपने ध्यान से स्क्रीन से दूर ले जाना, तो आपको बार बार स्क्रीन से दूर नहीं जाना है, नहीं तो फिर से वार्निंग मिल जाएगी। छात्र का परीक्षा के दौरान ईयरफोन का प्रयोग करना, आपको ईयरफोन ब्लूटूथ ईयरबड्स या फिर हेडफोन्स किसी का भी यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है, छात्र का किसी व्यक्ति से मोबाइल फ़ोन पर प्रश्नों का उत्तर जानने हेतु बात करना, किसी भी आप कॉल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको वार्निंग मिल जाएगी। नेक्स्ट है, छात्र द्वारा बाहरी स्रोत जैसे कि छात्र के पास बैठे व्यक्ति, किताब, वेब संसाधन या किसी अन्य सामग्री का उत्तर को पुनः प्राप्त करने के साधनों का उपयोग करते हुए, गाइस ये सब आप करेंगे तो भी आपको वार्निंग मिल जाएगी। नेक्स्ट है, वीडियो में छात्र की मदद करते दिखे एक से ज़्यादा चेहरे, तो भी आपको वार्निंग मिल जाएगी। नेक्स्ट है, विद्यार्थी उत्तरों पर पहुँचने के लिए सामूहिक रूप से दूसरों के साथ चर्चा कर रहा है, तो यदि आप किसी और से मतलब आपके फ्रेंड है या फिर कोई आपका हेल्पर है, तो यदि आप उससे बातचीत कर रहे हैं क्वेश्चन को लेकर, तो भी आपको वार्निंग मिल जाएगी। नेक्स्ट है, चैट बॉक्स में छात्र द्वारा अश्लील आपत्तिजनक अवांछित लेखन या बोलना, इस पर भी वार्निंग मिल जाएगी। गाइस आपको ना ही गाली देना है, ना ही कोई उचित व्यवहार करना है, ना ही बोलना है और ना ही ह्यूमन प्रॉक्टर को चैट के द्वारा लिखकर भेजना है। तो गाइस ये थी कुछ सावधानियाँ जिनको आपको नहीं करना है, अगर ये करेंगे तो आपको भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है, टेस्ट को सभी तरह से समाप्त हो जाने पर पश्चात ही सबमिट करें। तो गाइस ये थी पूरी वीडियो, इसको भी थोड़ा सा एक पेज बचा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इंटरनेट की स्पीड ये होनी चाहिए, ठीक है, रैम ये तो आपको हमने शुरू में ही बता दिया है। तो गाइस वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो गई थी, लेकिन ये सब आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर आगे है तो दोस्तों ज़रूर शेयर करें, उनको भी ये समझा दें अच्छे से। आप सभी ये चीज़ गाइडलाइंस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए। और जिन लोगों के इसमें जीमेल पर आ गया है वो लोग रजिस्टर हो चुके हैं, वो लोग अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और शेयर सब्सक्राइब लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।